बगल में है बिल्कुल भाई। ये रेडियो अबे ड्यूक तो खतरनाक है भाई। बाय 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 ड्यूक ड्यूक बाय 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 अबे पीछे हो जा बे। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू द न्यू ट्रैक। तो आप सामने देख सकते हो कि किन बाइक का जो है हम कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं। हालांकि दोनों बाइक्स नेकेड हैं और दोनों ही जो है बाइक बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर है अपने सेगमेंट में। दोनों बाइक जो है 200 cc होने वाली है। एक होने वाली है अपनी KTM की तरफ से, एक अपना इंडियन ब्रांड बजाज जो कि अभी न्यू लॉन्च लेके आया है NS 200 2024 न्यू अपडेट्स के साथ में। तो इस कलर को आप देख के समझ गए होगे, सामने आप हेडलाइट देख के समझ गए होगे कि ये 200 न्यू वाला वेरिएंट है। तो इन दोनों का आज हम कंपैरिजन टेस्ट करने वाले हैं। एक तो बाइक्स की बात कर लेते हैं। पहली है अपनी बजाज की पल्सर NS 200 2024 एडिशन है। जैसा देख सकते हो अपडेट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे हेडलाइट को जो है पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। देख सकते हो DRL और 2 LED प्रोजेक्टर के साथ में। यहाँ पे जो दूसरा चेंज किया गया है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किया गया है जैसा देख सकते हो। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली वेरिएंट है और ये सबसे महंगी है अपने सेगमेंट में 200 में। और यहाँ पे आपको नेविगेशन अब देखने को मिलने वाला है और यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलेगा और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो ब्लूटूथ वगैरह। बाकी प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं तो NS आती है लगभग 1,90,000 रुपये की टॉप वाली वेरियंट। इससे जो बेस मॉडल है इसका सिंगल चैनल ABS वाला, उसका प्राइस है लगभग 1,60,000 रुपये। दूसरी तरफ जो खड़ी है वो है अपनी KTM की तरफ से आने वाली ड्यूक 200। इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं तो 199 cc के इंजन के साथ में आपको मिलता है 24 PS का पावर और 19 Nm टॉर्क। वहीं NS को देखा जाए तो NS में मिलता है 24 PS की पावर और वहीं 18 Nm टॉर्क। टॉर्क में ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। हाँ, KTM की जो बाइक्स होती हैं वो थोड़ी सी टॉर्की इंजन जो है बनाती है। तो हमेशा से KTM जो है इनिशियल में फास्ट रही है। क्या इस बार NS 200 को ये बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी ये तो अभी ड्रैग में पता चल जाएगा। बाकी ड्यूक के प्राइस की बात कर लेते हैं तो लगभग 2,30,000 रुपये की ये पड़ने वाली है ऑन रोड लखनऊ में। दोनों बाइक्स में आपको USD फॉक्स देखने को मिलने वाले हैं। डिस्क साइज़ बहुत बड़ा होने वाला है NS के मुकाबले ड्यूक का। टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो 100 फ्रंट में आपको NS में देखने को मिलने वाला है, 130 सेक्शन रियर में देखने को मिलने वाला है। वहीं ड्यूक की बात कर लेते तो फ्रंट में आपको 110 सेक्शन और रियर में 150 सेक्शन देखने को मिलने वाला है। बाइब्री के डिस्क कैलिपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे ड्यूक में और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ग्रेमिका के डिस्क कैलिपर। दोनों बाइक्स जो है आपको यहाँ पे डुअल चैनल ABS के साथ में देखने को मिलने वाली है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं ड्यूक की तो देख सकते हो ऑरेंज डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। चलो अब ज़्यादा बक टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। चैनल पर मेरे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। चलो इस ट्रैक को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। शुरू करते हैं तो नो डाउट KTM के इनिशियल को कोई बीट नहीं कर सकता है ना। लेकिन थोड़ी MT तो थोड़ी कम पावर की पड़ जाती है, ड्यूक ज्यादा पावर की है। थी बराबर में, लेकिन भाई ड्यूक 200 को कोई बीट नहीं कर सकता है इनिशियल पावर में। टॉप एंड की बात तो अलग है, टॉप एंड में देखते हैं NS निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। ये रही NS भाई, बगल में लगी हुई है, छायो गियर मैंने डाल ली है, ताबड़ तोड़ भाग रही है भाई, देख सकते हो जैसा गाय। और इसने किया ड्यूक को पीछे और ये गई ड्यूक। बाय बाय गाइस, बाय 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 ड्यूक ड्यूक बाय 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 बाय। अबे पीछे हो जा बे, पीछे हो गई गाइस। 32 NS बगल में है बिल्कुल भाई साहब, तक करना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा। 133, 34, 35, 36, 37 NS 200 पीछे लगी हुई है विदाउट स्लिप स्ट्रीमिंग, पीछे हो गई बराबर आगे हो गई। मीटर एरर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बहुत। NS 200 पीछे है, गाइस कैलिपर है
स्टैंडर्ड देख सकते हो गाइस। आप शायद पीछे कर देंगे, विंड ब्लास्ट बहुत है इधर से, राउंड टू उधर से करेंगे तब पता चलेगा कि रियल विनर कौन है। ताबड़ तोड़ भाग रही है भाई, ताबड़ तोड़। हल्की सी पीछे, बिल्कुल हल्की सी पीछे, हल्की सी। दोनों लोग जोशियाए हुए हैं तगड़े से। और भैया इसमें मीटर एरर मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, एकदम से 49 NS 200 पीछे लगी हुई है, पर NS 200 निकल नहीं पा रही है भाई। ये क्या हुआ, लगी है पीछे बट निकल नहीं पा रही है, जबकि मैं ड्यूक लेके 135 पे ही हूँ। तो ये है भाई बजाज का मीटर एरर, देख सकते हो जा रही एकदम से 44 हुई जा रही। क्या है यार ये, क्या लगा रखा है भाई ये। ज़्यादा आगे है, मतलब ज़्यादा आगे नहीं है, थोड़ी सी पीछे है ये, थोड़ी सी आगे है मतलब। पर एनएस भी निकल नहीं पाए, पीछे कितनी कितनी गई थी भाई 149 जा रही, पर इसमें मीटर एरर है, पता है क्या 144 की है, बाद 149 हो जाए, 135 पे थे हम 30। हाँ वही बता रही, इसका मीटर एरर है, ये मीटर पे देखा जा पूरी बात। भाई साहब गाइस, जैसा आपने देखा कि मैं बोल रहा था कि बजाज में आपको मीटर एरर देखने को मिलने वाला है। अंकित चला रहा है ड्यूक 200 को, अब तो चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं, कितना मीटर एरर बजाज में है अभी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नो डाउट कि राइडर भी मैटर करता है, इनिशियल में ड्यूक निकल नहीं पाई है अभी तक, फोर्थ गियर में कितना कर रही है भाई। भाई साहब ड्यूक निकल गई भाई, विंड ब्लास्ट इधर से नहीं पड़ेगा, इधर से विंड फेवर में रहने वाली है। 137 39, ड्यूक पता नहीं कितना जा रही होगी, 142 47 48 49 50, 52 लिमिटर आ गया 52 पे गाइस, स्टिल करना पड़ेगा अपने को। वॉबलिंग खा रही है गाइस, वॉबलिंग, ये रही ड्यू बहुत खतरनाक, ये रही ड्यू। अबे ड्यूक तो खतरनाक है भाई, इसका तो ताबड़ तोड़ निचोड़ करेगी ये, ऐसा लग रहा है निचोड़ के रख देगी भाई ड्यू। लिमिटर हिट कर दे रही है भाई, 150 जा रही है, लेकिन ड्यूक को पीछे नहीं कर पा रही है। गॉबलिंग देख रहे हो, खतरनाक गॉबलिंग आ रही है भाई, फिर भी नहीं पीछे कर पा रही है ड्यूक को। ड्यूक आगे चल रही है 150 पे, देख रहे हो ये 150 पे ड्यूक है, मीटर एरर देख रहे हो भाई साहब, नहीं निकल पाएगी क्या एनएस, निकल जाएगी, हेड टू हेड है बिल्कुल, निकल जा एनएस निकल जा, चल बसंती। अबे भाई ड्यूक फिर निकल गई, ये क्या था भाई, निकल गई एनएस। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये बॉनविटा बॉनविटा पी के आई है क्या ड्यूक, 142 गई है।
मतलब ही नहीं भैया। इतना मीटर एरर है यहाँ पे, इतना मीटर एरर आपको देखने को मिलने वाला है। जैसा आपने देखा ही कि भाई ड्यूक 200 ने बीट कर दिया है NS 200 2024 को, तो यहाँ पे भाई क्या ही मैं बोलूँ यार, 153 जाने के बाद में 142 पे वो आगे थी। तो यार आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप बताना कि आपकी क्या राय है इस रिजल्ट में, और आपको क्या लगता है कि NS 200 हारी है कि नहीं हारी है, ये कमेंट कर देना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करना इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मेरे हिसाब से देखो भाई, बजाज का ब्रांड है, इंडियन है, रोड पर भाई देखो कोई टॉप स्पीड तो लेके नहीं जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। टॉप स्पीड के लिए भाई देखो जो बंदा लेता है तो भाई बहुत ज़्यादा सिटी में जा पाएगा तो 100 एंड 100 जा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पाएगा। ड्यूक का इनिशियल सबसे फास्ट है, KTM जो है ब्रांड ही जाना जाता है इनिशियल के लिए, तो यहाँ पे जो है इनिशियल ड्यूक अच्छा है, और ड्यूक टॉप एंड में भी यहाँ पे NS 200 को हरा रही है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें।